हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एंड केंजल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो यानी ये वीडियो दो चैनल पर पब्लिश होगी, तो इसलिए आपको दोनों चैनल पर स्वागत है। आप जिस भी चैनल पर देख रहे हो उस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम क्या देखेंगे, आज की इस क्लास में हम डील करेंगे, क्या करेंगे, आर्टिफिशियल परपरागण। क्या करेंगे? आर्टिफिशियल परपरागण। आर्टिफिशियल क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे, पॉलिनेशन को हम पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम कृत्रिम परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम परपरागण। क्या कहते हैं? कृत्रिम परपरागण हिंदी में हम इसे कहते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स होता है जो भी मानव अपने, मतलब जो भी चीज़ मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें हम कृत्रिम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम कहते हैं। और जो नेचुरल चीज़ें कौन सी होती हैं? जो नेचुरल चीज़ें वो होती हैं जो मानव द्वारा निर्मित नहीं की जाती हैं, वो सेल्फ ही निर्मित होती हैं, यानी स्वयं निर्मित होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं नेचुरल। उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ आर्टिफिशियल का मतलब सबसे पहले आपको बताना चाहिए। और उससे पहले मैंने क्रॉस पॉलिनेशन आपको पढ़ा दिया है और नहीं पढ़ाया है, तो आप वीडियो इस चैनल पर जा करके या तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में देख लेना, या तो आपको इस चैनल पर वीडियो में जा करके और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। किसकी? परपरागण की। किसकी? परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन की आपको वीडियो मिल जाएगी। पहले उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद ये देखें। अगर आप अभी मान लो आपका कल एग्जाम है, तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से आपको पढ़ना है। क्या करना है? यहीं से आपको पढ़ना है। तो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं? आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन वे पॉलिनेशन होते हैं जो मानव अपने फायदे के लिए क्रॉस पॉलिनेशन करा देते हैं। कैसे कराते हैं? इसमें दो मेथड होती हैं। कौन सी? दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहली जो विधि है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इमैकुलेशन। क्या बोलते हैं? इमैकुलेशन। पहली विधि को क्या बोलते हैं? इमैकुलेशन बोलते हैं। और जो दूसरी विधि है जिसे बोलते हैं बेगिंग। क्या बोलते हैं? बेगिंग। क्या होती है बेगिंग और क्या होती है इमैकुलेशन? इसे ध्यान से अच्छी तरह से हम इसे जानेंगे। क्या करेंगे? इसे हम अच्छी तरह से जानेंगे। एक्चुअली में जो परपराग जो कृत्रिम परपरागण जो होता है बेटा, पर कृत्रिम परपरागण होता है मानव अपनी फायदा के लिए, मतलब मानव अपनी फायदा के लिए क्या करता है यानी कृत्रिम परपरागण करा देता है। वो कौन कौन सी मेथड होती हैं? देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज इमैकुलेशन, सेकेंड इज बेगिंग। क्या है? बेगिंग। जिसे इमैकुलेशन को हिंदी में हम विपुंसन, क्या बोलते हैं? विपुंसन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? जिसे हम हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? विपुंसन। क्या बोलेंगे इसे हम हिंदी में? इमैकुलेशन को हम हिंदी में विपुंसन कहते हैं, और हम बेगिंग को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? थैलीकरण। क्या बोलेंगे? थैलीकरण। क्या बोलेंगे? थैलीकरण। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को क्या लिखोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लिख लेना, यहाँ से चाहे एक अंक में आपको पूछा जाए, चाहे आपको एमसीक्यू में पूछा जाए, जिसमें एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपको एक नंबर में पूछा जाएगा, या आर्टिफिशियल की क्रॉस विधियों के नाम लिखिए और उन्हें एक्सप्लेन करिए और उन्हें सचित्र चित्र सद वर्णन कीजिए। ये सारी विधि हम आपको आज बताएंगे। क्या करेंगे? ये दोनों विधियों को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इमैकुलेशन डालते हैं और फिर उसके बाद थैलीकरण या बेगिंग पढ़ते हैं। क्या होती है इमैकुलेशन? आप अपना उतार लीजिए।
क्या करोगे, इसे अब आपको उतारना है और आगे हम आपको बताएंगे। तो इसे हम मिटा देते हैं। चलिए एडिंग आपने डाली होगी आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन या कृत्रिम परपरागण। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एडिंग डालते हैं एमैकुलेशन। अब क्या एमैकुलेशन एडिंग डालते हैं, एक मिनट, एमैकुलेशन एमैकुलेशन को हिंदी में विपुंसन इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, इसे हिंदी में हम विपुंसन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में हम विपुंसन कहते हैं। अब देख रही विपुंसन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लांट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लांट बनाएंगे और हम मतलब ड्रॉ कर रहे हैं एक अपना प्लांट, प्यारा सा प्लांट को बनाएंगे। क्योंकि हमें ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन हमको कौन देता है, हमको ऑक्सीजन देते हैं प्लांट, हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो अब इसमें एक होता है, अब इसके अंदर देख एक स्त्री के अंदर फूल के अंतर्गत क्या होता है, एक स्त्री केसर होता है और एक पुकेसर होता है। पुकेसर होता है वो मेल पार्ट होता है और स्त्री केसर होता है वो फीमेल पार्ट होता है। तो हम यहाँ बना लेते हैं और यहाँ पर हम दिखाते हैं अपने एंथर। क्या दिखाते हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं हम एंथर। और आप विपुंसन में क्या होता है, हम विपुंसन जब क्रिया करते हैं या इमोकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर पोलिनेशन आपको पता है एंथर के अंदर यानी पराग कोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कोश के अंदर होते हैं क्या होते हैं, पराकड़। क्या होते हैं, पराकड़ होते हैं। और पराकड़ में दो क्या होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। पराग कोश को इंग्लिश में हम एंथर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एंथर बोलते हैं। और पराकड़ को इंग्लिश में हम पोलेन ग्रैन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोलेन ग्रैन कहते हैं। और इसे हम नर युग्मक को हम मेल गैमीट्स कहते हैं। अब हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता दिया। अब आपको पता हो, अब इसमें मतलब विपुंसन में क्या होता है, हम चिमटी की सहायता से, किसकी चिमटी की सहायता से, पराग कोश के फटने से पहले और हम चिमटी से पराग कोश को क्या कर देते हैं, पुष्प के भाग से इसे हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इस क्रिया को हम एमैकुलेशन या विपुंसन कहते हैं। तो आप लिख सकते हो, जब देखिए किस प्रकार से हम लिखें, बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा। जब पुष्प में उपस्थित पराग कोश को फटने से पहले जब पुष्प में उपस्थित पराग कोश को फटने से पहले किससे फटने से पहले क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से निकाल देते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, एमैकुलेशन कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे, जब पराग कोश फट न पाए उससे पहले ही क्या करते हैं, पराग कोश को पुष्प से रिमूव कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब हम इसको निकाल देंगे, किसे पराग कोष को जब निकाल देंगे तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण नहीं हो पाएगा। स्वपरागण नहीं होगा, क्योंकि अगर स्वपरागण अगर इसे फटने से पहले अगर ना निकालोगे तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण हो जाएगा, क्योंकि जब ये एंथर पक जाएगा या पराग कोष पक जाएगा, फट जाएगा, तो यहाँ से पोलन ग्रहण या परागकण आकर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। तो इस पराग को जब पराग कोष से बतका पर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं, और जब मान लो हमने यहाँ से रिमूव ही कर दिया तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं, इसलिए इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इमैकुलेशन कहते हैं, और हिंदी में हम बोलते हैं विपुंसन कहते हैं। अब मैं समझूंगा यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब क्या होगा, अब पढ़ते हैं दूसरी, हमने कौन सी पढ़ी थी, थैलीकरण। अब समझिए थैलीकरण क्या है, ये आपको क्लियर हो चुकी है नहीं, यस और नॉट कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। अब दूसरी पढ़ते हैं कौन सी, देखियो अब हमने पहली पढ़ लाई इमैकुलेशन, क्या पढ़ लिया, इमैकुलेशन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम बेगिंग, यानी इसमें बेगिंग की हेल्प करते हैं विपुंसन का। इसका डायग्राम देखना चाहो तो आप देख सकते हो डायग्राम, आपने यूट्यूब पर इमैकुलेशन लिखे यूट्यूब पर मोबाइल पर सर्च कर सकते हो किस प्रकार से होती है। अब हम पढ़ेंगे कौन सी दूसरी हमारी, क्या थी दूसरी हमारी, थी क्या, थैलीकरण, जिसे हम बोलते हैं बेगिंग। क्या बोलते हैं, बेगिंग। बेगिंग को हिंदी में हम बोलते हैं थैलीकरण, और थैलीकरण को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में थैलीकरण को बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बेगिंग। बेगिंग क्या होता है, जब मान लो विपुंसन इमैकुलेशन होने के बाद बेगिंग की जाती है, कब करी जाती है, इमैकुलेशन होने के बाद क्या की जाती है, बेगिंग की जाती है। और इसमें क्या होता है, ये मान लो यहाँ से एंथर थे और ये हमारा फीमेल पार्ट था, ये हमारा क्या था, फीमेल पार्ट था। अब इसमें क्या हुआ, एंथर हमने हटा दिया। अब एंथर हटाने के बाद इसमें एक बटर का, किसका, बटर पेपर से क्या कर देते हैं, इसे ढक देते हैं, किसको, फ्लावर को, स्त्री केसर वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, स्त्री केसर वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, सॉरी स्त्री केसर वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं बेगिंग, क्या बोलते हैं, बेगिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बेगिंग कहते हैं। तो आपको इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। और इसमें हम आपको बताएं, अगर हम आप इसमें बताएं डेफिनेशन, तो किस प्रकार से लिखोए, इस विधि में क्या लिखोए, इस विधि में सबसे पहले पुष्प विपुंसित, पुष्प कौन सा, विपुंसित पुष्प को, यानी मतलब विपुंसित होने के बाद विपुंसित पुष्प को क्या करते हैं, विपुंसित पुष्प को बटर पेपर से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। इस विधि में सबसे पहले विपुंसित पुष्प को बटर पेपर से ढक देते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, बेगिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेगिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेगिंग कहते हैं। आई होप एम आई क्लियर। जब इस विधि में सबसे पहले क्या होगा, विपुंसन होगा, विपुंसन होने के बाद जब हम उसी स्त्री केसर के भाग को क्या करते हैं, ढक देते हैं, किससे बटर पेपर से जब हम उसे ढक देंगे तो क्या होगा, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बेगिंग बोलते हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा यहाँ तक सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए, क्या हिंदी में नोट्स चाहिए, हिंदी में
हिंदी में नोट्स चाहिए आपको या आपको ऑनलाइन पढ़ना है या आपको ऑफलाइन पढ़ना है, तो हमारी कक्षाएं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कक्षाएं कंडक्ट कराई जाती हैं, और हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप नीचे चल रहे नंबर पर फ्लैश कर सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सअप या हमसे सीधी कॉल कर सकते हैं। अब हम आपको कराएंगे क्या, अब आपको कराएंगे पराकड़ का, क्या कराएंगे अब हम कराएंगे अब पराकड़ का वृत्ताकार पर अंकुरण। तो आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें, और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने सारे इसमें इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। आई होप एम आई क्लियर। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इन स्टिग्मा, यानी जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, कहाँ पर, स्टिग्मा पर। अब देखो हिंदी में कैसे लिखो, पराग कड़ का, किसका, पराग कड़ का वृत्ताकार पर, पराकड़ का वृत्ताकार पर अंकुरण, पराकड़ का वृत्ताकार पर अंकुरण हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से अंकुरण होता है। तो आप सभी को पता होगा पराकड़ में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो वहाँ से छिद्र पाए जाते हैं और किसी एक छिद्र से क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब निकलता है। चलिए हम देखते हैं इसे अपने ध्यानपूर्वक हम पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉलन ग्रेन का डायग्राम बनाएंगे, और पॉलन ग्रेन को हमने डायग्राम आपको अगली वीडियो में बना के दिखा दिया है, तो वहाँ से आप क्या करोगे, इसे पढ़ लोगे। तो सबसे आपको पता है ना, एक छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है, और इसमें दो केंद्रक, एक केंद्रक होता है और एक वैक्यूल होता है, और एक जर्म मतलब एक क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। तो आप समझ सकते हो सबसे पहले बोलते हैं भाईचोल, इसे क्या बोलते हैं, भाईचोल बोलते हैं, और अंदर वाले को अंतचोल कहते हैं। इसमें तो एक है, हमने पॉलन ग्रेन का क्या बनाया, डायग्राम ड्रॉ किया है, क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया है, और बाहर वाले को भाईचोल, अंत वाले को अंतचोल कहते हैं, क्या बोलते हैं, अंतचोल कहते हैं। भाईचोल कहते हैं, और बाहर वाले को भाईचोल, अंत वाले को अंतचोल। तो जहाँ बोलते हैं इंटाइन, और जहाँ बोलते हैं एग्जाइन, ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है आपको इंग्लिश में। अब यहाँ से जो छिद्र है, क्या ये पोर है, तो यहीं से क्या निकलेगा, पॉलन ट्यूब निकलेगा, कैसे निकलेगा। अब हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बना ली वृत्त का, ठीक है, ये हमने बना ली ओबरी, क्या बना ली ओबरी, और ये क्या वृत्ताकार, क्या ये वृत्ताकार, और वृत्ताकार पर जब पोलन ग्रहण आता है तो यहाँ पर क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। अब इसकी डेफिनेशन आप लिखिए, किस प्रकार से लिखोगे, अब देखो पराग कड़ पराग कोश से
वर्तकाग्र पर पहुंचकर फूल जाता है, क्या हो जाता है ये, कैसा होगा, फूल जाता है कुछ समय बाद क्या होता है, अंकुरण हो जाता है। क्या हो जाता है ये, अंकुरण हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र पर अंकुरण, इसी को बोलते हैं परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होना। तो पहले क्या होगा, ये पराग कोष कहाँ से आएगा, पराग कोष से आएगा, और पराग कोष से आने के बाद ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये अंकुरण हो जाएगा। तो अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो अब जो ये क्या करेगा, वर्तिकाग्र पहुंचेगा, अंकुरण होगा, और अंकुरण होने के बाद ये क्या बनाएगा, यहाँ छिद्र से एक क्या निकलेगी, एक छिद्र से यहाँ पर क्या निकलेगी, जो छिद्र है कहाँ पर, ये छिद्र है, और छिद्र से क्या निकलेगी, ये पराग क्या निकलेगी, पराग नली निकलेगी, और पराग नली क्या करती है, पराग नली पोलन ग्रहण को बीजांड में पहुँचाती है, कहाँ पहुँचाती है, बीजांड में पहुँचाती है। कितना टाइम हो, अब हम अगली वीडियो कब का है, वो बहुत अच्छी 20 मिनट है।